आपको बाय बाय बाहर कर रही हूँ। ये देखे मैं लॉन में नहीं बाहर खड़ी हूँ। अब वॉक पे जाने लगी थी तो मैंने कभी आपको अल्लाह हाफिज़ कर। वो भी उसके पापा उसको बाहर लेके गए हैं और बस मैं खाना खा रही थी। थोड़ा लेट हो गया मेरा भी खाना क्योंकि जुनीद की फिर वो पैकिंग वगैरह कर रही थी। उसको ये था कि अम्मी का था कि इसको रख लो एक हफ्ता ना, एक और ना, क्योंकि उसके बाद शायद हमारा प्लान था कि हम लोग भी जाएँ ना। तो अभी तो हमारा खैर पूरा प्लान नहीं है, अभी तो देखेंगे नेक्स्ट डे हमारा प्लान बनता है या नहीं। लेकिन उसका ये था कि हम उसको एक हफ़्ता और रख लें ताकि थोड़ा सा ना उसका ये था कि वो यहाँ पे रह रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा उसकी वजह से ना थोड़ा सुकून था। तो ऐसे मुझे भी अकेले रहने से ना अभी थोड़ी सी कुफत होती है, तो यही था बस एक ना रीज़न। तो अभी खैर अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और मेरे बाल अभी थोड़े उजड़े पुजड़े हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना बस हम सो के तो सुबह से उठी हुई हूँ मैं, उसके बाद नहीं सोती हूँ दोबारा। तो अभी बस अरताश भी उठा हुआ है, अभी इसको नाश्ता भी करवाना है। और ये सुबह दूध पी लिया था इसलिए अभी इसको भूख नहीं थी, तो मैंने अभी इसको नाश्ता भी नहीं करवाया। और नाश्ते में मैंने फ्रेंड टोस्ट बनाए थे, जुनेद तो खा चुका है और अरताश अभी रहता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ अरताश अभी कर क्या रहा है। क्या ना मैं लेके आई थी ब्लॉग काफ़ी दिनों से ना, तो वो मुझे मिल नहीं रहे थे। तो ये देखें अभी बस इसके टॉयज़ निकाले हैं, जिसके पड़े हुए हैं ना काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ ना मैंने रखे हुए थे छुपा के। ये एक हेलीकॉप्टर है, इसके भी बाकी पीस अभी पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं, इसने ना तोड़ दिया था थोड़ा सा ना ये अरताश में इसके ऊपर जो लगा हुआ था ना वो। और ये अभी ट्रेन है, अभी हाथ धो के इसके पीछे पड़ा हुआ है कि मैं इसको भी तोड़ूँ जल्दी से। तो ये देखें इसकी ट्रेन। अरताश आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, ओके। इसको मज़ा आ रहा है अपनी ट्रेन को देख के ना। ये इसकी पुप्पो लेके आई थी और इसका जो मामू है बड़ा और छोटा उन दोनों ने दी थी इसको हेलीकॉप्टर, वो बड़ी है इसकी फर्स्ट बर्थडे पे। तो ये पुप्पो तो वैसे गिफ्ट लेके आई थी इसकी ना, ये वाला देखें कितना प्यारा है ना। तो ये देखें ये हेलीकॉप्टर है, काफ़ी बड़ा है ये ना। तो अभी बस इसको तो नहीं हमने खोला, नान बॉक्स की है इसी वजह से कि अरताश कुछ नहीं छोड़ता, ये मेटल में है मेरे ख्याल में, इस वजह से ना ये टूटेगा भी नहीं जल्दी। लेकिन ये है कि मैं अभी इसको कोई भी जो टॉय है ना ओपन नहीं करके देती हूँ, ये फिर बाद में तोड़ देता है हर चीज़। तो अभी आज जुमा मुबारक है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अभी बस ये है कि मैं अभी बिरयानी बनाने जा रही हूँ किचन में, और जुम्मे वाले दिन कभी कभी मेरा भी दिल करता है बिरयानी बनाऊं, क्योंकि मेरी दोस्त है ना वो सिंधी है, उनके यहाँ बिरयानी ज़्यादा बनती है, तो मेरा भी कभी कभी दिल करता है फिर बिरयानी बनाऊं ना। तो बस अभी जल्दी से जाती हूँ किचन में और बिरयानी फटाफट बना के आती हूँ। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले पड़ी हुई है, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताएँ, डिस्क्रिप्शन में मैं ना लिंक दोबारा सेंड कर दूँगी उसका ना बिरयानी का। तो अभी बस चलते हैं और बिरयानी बनाते हैं किचन में, उसके बाद जो रूटीन है वो सारा दिन की वो फिर साथ शेयर करूँगी। तो अभी शाम का टाइम है, मैं अभी बस सो के उठी थी और अभी अरताश साहब बाहर निकल गए, फिर उसको भी लेने जा रही हूँ। और बस आज बिरयानी बनाई थी दोपहर में और रात का भी प्लान है कुछ भी नहीं बनाने का, शामी को पड़े हैं वो फ्राई कर लूँगी और बस यही आज का खाना होगा रात का। और आप लोग सुनाएं जुमा कैसा गुजरा आप लोगों का। और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह मौसम इतना प्यारा हो गया ना, ये देखें मौसम क्लाउड क्लाउड हैं अभी, सुबह बारिश हुई है थोड़ी सी और ज़्यादा भी लॉन में पानी लगाने लगे हैं। कल माली गया है काट के सारी घास वगैरह सब कुछ क्लियर करके गया है। तो जुनीद भी गया है तो थोड़ा सा अरताश सैड हो गया था फिर आज, तो वो भी उसके पापा उसको बाहर लेके गए हैं और बस मैं खाना खा रही थी। थोड़ा लेट हो गया मेरा भी खाना क्योंकि जुनीद की फिर वो पैकिंग वगैरह कर रही थी। उसको ये था कि अम्मी का था कि इसको रख लो एक हफ़्ता ना, एक और ना, क्योंकि उसके बाद शायद हमारा प्लान था कि हम लोग भी जाएँ ना। तो अभी तो हमारा खैर पूरा प्लान नहीं है, अभी तो देखेंगे नेक्स्ट डे हमारा प्लान बनता है या नहीं। लेकिन उसका ये था कि हम उसको एक हफ़्ता और रख लें ताकि थोड़ा सा ना उसका ये था कि वो यहाँ पर रह रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा उसकी वजह से ना थोड़ा सुकून था। तो ऐसे मुझे भी अकेले रहने से ना अभी थोड़ी सी कुफत होती है, तो यही था बस एक ना रीज़न। तो अभी खैर वो चला गया है और अभी क्या उसको बोलते हैं,
मैंने आज अपॉइंटमेंट भी ली थी कान की, कि मेरा कान अभी तक नहीं खुला है, मुझे एक कान से सुनाई देता है और एक से सुनाई नहीं देता, और दूसरा जो कान है ना उसमें भी ऐसी है जैसे ये भी बंद होने वाला है बहुत करीब जल्दी ना। तो मैं सभी अरताज को भी खाना खिलाऊंगी और खुद भी खाना खा रही हूँ। आज का व्लॉग जो है ना वो मेरा बस इतना ही है, और क्या उसको बोलते हैं, हाँ जी, तो आज का व्लॉग भी थोड़ा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आज जो मेरी रूटीन गुजरी है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा बिजी थी और मैं ज़्यादा सोई हूँ आज बीच में ना। तो अभी बस आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए आने वाले हैं काइंडली, और अच्छे अच्छे जो कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मैं आज आपको बाय बाय बाहर कर रही हूँ, देखे मैं लॉन में नहीं बाहर खड़ी हूँ, अब वॉक पे जाने लगी थी तो मैंने कभी आपको अल्लाह हाफिज़ कर दूँ। चलें कल नए व्लॉग के साथ आऊँगी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।